हेलो फ्रेंड, मेरा नाम पीयूष है और मैं फिर से मेरा टूटा फूटा हिंदी लेकर के अब सबके सामने आ गया हूँ इंग्लिश ग्रामर समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दर पाठशाला में फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। पहले जो वीडियो मैंने दिया था उसमें हमने देखा कि जो प्रिपोजिशन है इसको हमने दो भागों में विभक्त किया था। एक था अकॉर्डिंग टू फॉर्म और दूसरा जो था वो था अकॉर्डिंग टू फंक्शन। आज हम जो सीखेंगे वो है प्रिपोजिशन का एक और भाग है जिसमें हम प्रिपोजिशन को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक है, एक को हम कहते हैं एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन, एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन, और दूसरा जो है इसको हमने नाम दिया नॉन एप्रोप्रिएट, नॉन एप्रोप्रिएट। ये जो प्रिपोजिशन है नॉन एप्रोप्रिएट, इसको हम फिक्स्ड प्रिपोजिशन भी कहते हैं, फिक्स्ड प्रिपोजिशन। तो ये क्या है एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन? जो है कुछ ऐसा, ऐसे प्रिपोजिशन है ग्रामर में जो केवल एक ही वर्ब के साथ बैठता है, फिक्स्ड है, और कोई दूसरा प्रिपोजिशन उस वर्ब के साथ नहीं बैठेगा। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ले लीजिए एकस्टम्ड। एकस्टम्ड ये जो वर्ब है इसके साथ हमेशा टू प्रिपोजिशन बैठता है। आप यहाँ पे बाय नहीं बैठा सकता, बैठा सकते हैं, आप यहाँ पे फ्रॉम भी नहीं लगा सकते, हमेशा एकस्टम के साथ टू ही बैठेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक और प्रिपोजिशन हम लेते हैं अबाइड। हम लिया अबाइड, हमने अबाइड ले लिया, इसके साथ कौन सा प्रिपोजिशन यहाँ बैठेगा? बाई बैठेगा। तो आप इंटरचेंजेबली यहाँ कुछ नहीं बैठा सकते, आप यहाँ टू नहीं बैठा सकते, आपको बाई ही यहाँ देना होगा। तो abide के साथ by होगा और accustomed के साथ to preposition होगा। तो ये है appropriate preposition। दूसरा जो है ये fixed preposition है, इसका कोई fixed rule होता है, इसका कोई rule नहीं होता, ये कोई rule follow नहीं करता है। पर ये जो non-appropriate preposition है एक एक fixed rule follow करता है। जैसे हमने लिया the cat is dash the table, अब ये वाक्य आप देख लीजिए, the cat is dash the table। अगर हम इस ब्लैंक में अंडर अंडर हम अगर लिखता है यह, तो इसका मतलब है कैट है वो टेबल के नीचे बैठा हुआ है। अगर हमने यहाँ पर ऑन लिख देता है तो इसका क्या मतलब हुआ? टेबल के ऊपर वो बिल्ली बैठा है, इसका मतलब है। तो हमने देखा कि ये जो डैश है इसमें हम अंडर भी बैठा सकते हैं और ऑन भी बैठा सकता है। तो ये फिक्स्ड प्रिपोजिशन है, एक रूल फॉलो करता है। तो अब हम देखेंगे कि 20 कुछ ऐसा 20 प्रिपोजिशन हम लोग लेंगे जो वेरी वेरी कॉमन प्रिपोजिशन है ग्रामर में। इसके बाद हम और भी गहराई में जाएंगे और प्रिपोजिशन को समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं यह 20 कॉमन प्रिपोजिशन प्लेसमेंट की हिसाब से। ये हमेशा याद रखना कि ये जो कॉमन प्रिपोजिशन मैंने लिया 20, ये प्लेसमेंट की हिसाब से है, समय की नहीं। समय की हम बाद में सीखेंगे जो टाइम प्रिपोजिशन है उसको, पहले हम प्लेस प्रिपोजिशन सीख लेते हैं। तो चलिए अब इसे ऐसा समझिए कि ये जो बॉक्स है, अब समझिए कि ये मेरा हाथ है, ये जो हथेली है इसके ऊपर ये कलम है, ये पेन हथेली के ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि जो ये जो कलम है, ये जो पेन है, इसको टच कर रहे हैं। जब किसी के ऊपर कोई चीज़ टच करेगा तब हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। तो ऑन ये हमारा एक नंबर प्रिपोजिशन हो गया। किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ अगर टच करता है तब हम ऑन का यूज़ करेंगे वहाँ पर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पर ये बॉल है, इसके ऊपर है ये जो बॉल है और ये जो बॉक्स है, इन दोनों के बीच में एक गैप है। तो यहाँ पर हम लोग एक हाइट को दिखलाते हैं, हाइट, ये हाइट दिखाता है। तो यहाँ हम इस प्लेस के लिए कौन सा प्रिपोजिशन का यूज़ करेंगे? अबव। अबव का मतलब क्या हो? ये कंपाउंड प्रिपोजिशन है। पहले पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि अबव का मतलब है ऑन बाय अप, ऑन प्लस बाय प्लस अप इक्वल्स टू अबव। तो अबव कब यूज होगा? प्लेसमेंट के हिसाब से। आप लोग समझ गए कि एक हाइट दिखाता है और गैप दिखाता है, किसी के ऊपर है। और एक बात, अबव
ये जो प्रीपोजिशन है हमेशा कोई स्थिर वस्तु के लिए इस्तेमाल हम करेंगे, स्थिर है ये, मूवमेंट नहीं कर रहा है, गतिशील नहीं है ये स्थिर है, इसीलिए अबव का इस्तेमाल हुआ है। तो दो नंबर प्रीपोजिशन हमने देख लिया अबव। अब हम देखते हैं कि ये जो बल है इसको कोई फेंक दिया, यहाँ से फेंका, यहाँ पर आ गया ये जो बल। आप कौन सा प्रीपोजिशन का यूज हम करेंगे, एक सेंटेंस ले लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं आई थ्रू द बॉल डैश द बॉक्स, यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन हम लिखेंगे, ओवर, यह ओवर प्रीपोजिशन का यूज हम करेंगे। तो ये तीसरा प्रीपोजिशन हो गया हमारा ओवर। कब होगा, जब कोई चीज को हम थ्रो करेंगे तो ये मूव कर रहा है, तो ये मूवमेंट यहाँ दिखा रहा है, गति दिखा रहा है, ये स्थिर नहीं है और इसके ऊपर से गुजर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक गैप भी है, गति भी है, गैप भी है, इसीलिए हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ये तीसरा प्रीपोजिशन है। ये तीन प्रीपोजिशन ऑन अबव एंड ओवर, ये तीनों के तीन प्रीपोजिशन ऊपर के लिए, ऊपर के हिस्से के लिए हम यूज करते हैं। अब आ जाइए नीचे, अब कोई वस्तु यहाँ टच करके है निचले स्तर, ये जो निचले हिस्सा है ना ये बॉक्स का, यहाँ टच करता है, ये टच कर रहा है। अब इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, वो है अंडर। तो ये हो गया हमारा चौथा, अंडर का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ। अब समझिए कि यहाँ पर है कोई चीज़, इसके लिए भी हम लोग अंडर का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो अंडर है ये हाइट भी दिखाता है, वर्टिकल हाइट। तो हाइट के लिए हम लोगों ने देख लिया कि ऊपर, जब ऊपर के लिए अबव और नीचे के लिए हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। बिलो का इस्तेमाल कब करेंगे, तो देखिए यह, अब समझिए ये जो अबव अंडर है ये हाइट को दिखाता है, हाइट। अगर कोई चीज लेवल को दिखाता है, अब लेवल को क्या कहेंगे हम हिंदी में, लेवल, लेवल सतह, तो ये जो लेवल है सतह को अगर दिखाता है कोई चीज, जैसे कि आप लोग लीजिए कि ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो व्हाइट बोर्ड का ऊपर का हिस्सा है, ये जो सतह है, इसमें यहां मैंने एक चित्र अंकन किया, ए ले लीजिए और ये जो सर्कल है ये बी ले लीजिए, तो यहां मैंने एक सर्कल को दिखाया, यह बी एक और सर्कल ले लिया, तो ये जो बी सर्कल है ए सर्कल की नीचे है, पर यह हाइट नहीं दिखा रहा है, ये सतह दिखा रहा है, ये लेवल दिखा रहा है। तो बी जो है, बी इज बिलो द सर्कल ए। तो यहां पर हम बिलो प्रीपोजिशन का यूज कब करते हैं, जब सतह दिखाता है और नीचे दिखाता है तब बिलो का इस्तेमाल होता है। तो ये पांचवा हो गया हमारा बिलो प्रीपोजिशन। हम ये बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, अबव, ओवर, ऑन, इसको और भी गहराई से नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और भी डेप्थ से। तो आप आ जाइए कि कोई ये जो बल है ये इसके भीतर है, ये जो बॉक्स है इसके भीतर है बॉल, तब हम इन ये प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ये छठवा हो गया हमारा प्रीपोजिशन, इन का इस्तेमाल हम कोई चीज किसी के अंदर है। अब लोग मुझे पूछ सकते हैं कि भैया इनसाइड का इस्तेमाल कब होगा, इनसाइड और इन में क्या डिफरेंस है, ये बाद में हम समझेंगे कि कब हम इनसाइड का यूज करते हैं और कब हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे, ये बाद में समझेंगे हम लोग। तो अब आ जाइए कि कोई चीज बाहर से भीतर की ओर जा रहा है, ये गतिशील है, ये मूव कर रहा है, बाहर से भीतर की ओर, अंदर की ओर जा रहा है, तब हम इन टू का इस्तेमाल करेंगे। क्यों इन टू होगा, क्योंकि टू, ये जो प्रीपोजिशन है टू, ये हमेशा मूवमेंट को दिखाता है, हमेशा ये टू मूवमेंट दिखाता है। अब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तब ये बॉल जो है ये अंदर है, तो इसके लिए इन होगा, और ये गति के साथ अंदर जाया इसीलिए टू। तो हम लोग इन टू ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल ऐसी चीजों में करते हैं। अब ये समझिए कि ऐसा ले लीजिए,
कि एक बिल्ली कुएं में गिरा, तो क्या हम कहेंगे उसको, कौन सा प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे? तो हम लोग ये कहेंगे कि द कैट जम्प्ड इन टू द वेल, इन टू, तो हम इन टू का यूज करेंगे क्योंकि गति के साथ वो बिल्ली गिरा। तो अब देखिए जो इन टू है ये सातवां हो गया हमारा। नेक्स्ट आठ नंबर, अब हम देखेंगे आठ नंबर प्रीपोजिशन। तो आप ले लीजिए कि गति, गति के साथ ये जो बल है, ये बल को हम यहां से यहां तक छोड़ देते हैं। तो हमने थ्रो किया, ये बल को हम थ्रो किया और इधर आकर गिर गया ये बल। तो आप देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा है इसके साथ टच है, तो जब ऊपर कोई चीज टच करके होता है तो कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा? एक नंबर ऑन। पर यहां पर कोई मूवमेंट नहीं था, पर यहां एक मूवमेंट है, तो मूवमेंट जब होगा तब टू का यूज होगा। तो ऑन के साथ हम लोग यहां टू भी इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो गया? ऑन टू। ये डबल प्रीपोजिशन है, डाइसिलेबिक प्रीपोजिशन है। तो ऑन टू के अलावा यहां और एक प्रीपोजिशन का यूज होता है जो है अपन। तो अपन भी यह यूज होता है, ऑन टू भी यूज होता है इंटरचेंजेबली। तो यह हमारा नंबर एट, नंबर एट हो गया ऑन टू और अपन। नेक्स्ट देखेंगे नंबर नाइन। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो बॉक्स है इसका पिछले हिस्से में, पीछे में एक बॉल है। तो पीछे जब होगा तब हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो हम यूज करेंगे बिहाइंड, BEHIND, कंपाउंड प्रीपोजिशन है बाय द हाइंड ऑफ। इसका मतलब है बाय द हाइंड ऑफ, बिहाइंड मतलब पीछे। आप ऐसे देख लीजिए कि यह एक बालक खड़ा है, इसके पीछे और एक बालक है, तो हम इसको ए, इसको बी अगर कहेंगे तब हम ए कहेंगे कि द बॉय बी इज बिहाइंड बॉय ए, बी इज बिहाइंड द बॉय ए। तो यह बिहाइंड हो गया, ये नंबर नाइन हो गया। अब नंबर टेन, अब कोई चीज किसी चीज के सामने है, तो ये जो ए है, ए जो बालक है, ये बी बालक का सामने है, बी इसका पीछे है और ए इसके सामने है, आगे है। तो आगे के लिए हमेशा हम इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये कौन सा प्रीपोजिशन है? पहले वीडियो जिन जिन ने देखा वो सब जानते हैं कि ये फ्रेज प्रीपोजिशन है। कौन सा फ्रेज है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो ये हमारा नंबर टेन प्रीपोजिशन हो गया इन फ्रंट ऑफ, कोई चीज किसी चीज के आगे है और कोई चीज किसी चीज के पीछे है, इसके लिए हम बिहाइंड का यूज करेंगे। तो अब देखेंगे हम कुछ और प्रीपोजिशन। हमारा 10 के 10 प्रीपोजिशन हो गया, अब हम कुछ और देखेंगे। अब ले लीजिए ये एक टनल है, एक टनल है पाइप, इसके अंदर से एक आदमी गुजर रहा है, एक आदमी यहां से जा रहा है, अंदर से गुजर रहा है, तब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन? थ्रू। यहां पे हम थ्रू लेंगे, सो द सेंटेंस विल बी लाइक द मैन और द बॉय इज गोइंग थ्रू द टनल, थ्रू का इस्तेमाल होगा। अब एक रास्ता ले लीजिए, आप एक रोड है, इस रोड के ऊपर से कोई आदमी जा रहा है, अब क्या होगा? यह ये जो आदमी है यहां से यह आ रहा है और जा रहा है, तो यह ऑन होगा, द मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड, ये होगा। पर अगर इसके बाजू में से एक छोटा सा रास्ता है, तो ये जो छोटा सा रास्ता है बगल में से इस रास्ते के, यहां से कोई आदमी गुजर रहा है, तो अब हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे प्रीपोजिशन? अलोंग, अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा बारवा। तो अलोंग का मतलब क्या हुआ? ऑन प्लस लॉन्ग, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब समझिए कि ये जो आदमी है ये यहां से रोड को क्रॉस कर रहा है, ऐसे जा रहा है क्रॉस करके, तब कौन सा प्रीपोजिशन होगा? Across, across का मतलब on plus cross, ये भी compound preposition है। तो ये 13th preposition हो गया across। तो इसका मतलब हुआ, इस चित्र में देखिए यहां से यहां गुजर रहा है, ये along होगा, और यहां से यहां जा रहा है,
तब एक्रॉस होगा। एक्रॉस का एक और यूज है, देखिए एक रोड है, इस रोड के दोनों तरफ अगर कोई पेड़ है, दोनों तरफ पेड़ है, अब सोचिए दोनों तरफ इस रोड के पेड़ है, तो हम क्या कहेंगे कि द ट्रीज आर एक्रॉस द रोड। एक्रॉस का मतलब है दोनों ओर, ऑन द बोथ साइड ऑफ, ऑन द बोथ साइड ऑफ, दोनों ओर पेड़ है रास्ते के, तो अब यह हम एक्रॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा 13th हो गया। नेक्स्ट अब देखिए नंबर 14th, ये सन है, अब सोचिए कि ये सन है, इसके चारों ओर अर्थ घूम रहा है। अब ये हमारा पृथ्वी है, ये घूम रहा है, कैसे घूमता है, कौन सी दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉक वाइज ये मूव करता है, एंटी क्लॉक वाइज। तो इसीलिए हम लोग को ऐसा प्रतीत होता है कि जो सूरज है वो पूरब से उगता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब अगर आप यूरेनस में चले जाएंगे, यूरेनस में, तो आपको प्रतीत होगा कि वो पश्चिम से उग रहा है सूरज, क्योंकि यूरेनस जो प्लैनेट है वो पूरब से पश्चिम की ओर मूव करता है, हमारा अर्थ जो है ये पश्चिम से पूरब की ओर मूव करता है, इसीलिए पूरब दिशा में हमको सूरज दिखता है। तो क्या होगा यहाँ पर, द अर्थ मूव्स डैश द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यह हम राउंड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो अर्थ है, ये जो सन है, ये एक जगह स्थिर है, ऐसा प्रतीत होता है हमें कि ये स्थिर है, एक्चुअली ये स्थिर नहीं है, अर्थ भी सन भी घूम रहा है, किसके चारों ओर घूम रहा है, ये मिल्की वे जो गैलेक्सी है, हम जिस गैलेक्सी में है, हमारा जो अर्थ, हमारा जो सन है, ये मिल्की वे में है, इसी गैलेक्सी के चारों ओर घूमता है ये सन, पर हमको ये प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी के जो स्पीड है वो सन के स्पीड से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें लगता है कि पृथ्वी घूम रहा है सन के चारों। तो अब देखिए यहाँ पर राउंड होगा क्योंकि सन स्थिर है, अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तब हम अराउंड का यूज़ करेंगे, अराउंड, राउंड और अराउंड, इन दोनों की फ़र्क अब लोगों को समझ में आ गया ये सोचता हूँ मैं, क्योंकि जो स्थिर है उसके चारों ओर कोई चीज़ मूव कर रहा है तब हम राउंड का इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई चीज़ जिस चीज़ के ओर घूम रहा है वो चीज़ भी खुद घूम रहा है ऐसा होता है तब हम अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर 15, ऐसे कुछ की आप लोगों ने ज़रूर देखा है कंप्यूटर में, इसको हम लोग कहते हैं एरो की, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का की है, इसको हम अप एरो की कहते हैं, और नीचे ले जो है वो डाउन एरो की हम लोग ऐसे कहते हैं। तो ये जो अप और डाउन, ये दोनों भी प्रेपोजिशन है, क्या दिखाता है, ये दिख दिखाता है, ऊपर के हिस्सा को हम अप कहेंगे, कोई चीज नहीं है, जस्ट मैंने ऐसा सोच लीजिए कि मैंने आपको कहा कि ऊपर देखो, तो मैंने क्या कहूंगा आपको, लुक अप, नीचे देखो, लुक डाउन, तो यह सिर्फ और सिर्फ देखने की बात हो रहा है, ऊपर या नीचे, कोई चीज नहीं है, तो इसके लिए हम अप और डाउन ये दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ऐसा सोचिए कि ये एक बालक है, और ये बालक क्या कर रहा है, इसको पकड़ने के लिए ये दौड़ रहा है, ये ए है, ये बी है, बी जो बालक है, ये बालक को पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, अब इसके लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं, ये 17 है, आफ्टर, द बॉय बी इज रनिंग आफ्टर बॉय ए, आफ्टर का यूज होगा क्योंकि ये दौड़ रहा है इसको पकड़ने के लिए, तो पीछे पीछे अगर कोई चीज दौड़ रहा है उसके लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ जाइए, यहां एक बालक है, यहां इस बालक का घर है, और यहां बी पॉइंट है, ए पॉइंट, ए बी पॉइंट ले लिया हमने, यहां इस बालक का स्कूल है, अब ये बालक जो है यहां से यात्रा शुरू कर रहा है स्कूल जाने के लिए, तो ये जो है यहां से जा रहा है कहां पर, बी पर, तो अब जो कहां से के लिए हम लोग
फ्रॉम का यूज करते हैं, कौन सी जगह के लिए, कौन सी जगह से, कौन सी जगह से के लिए फ्रॉम, और जहां पर, तो पर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टू, और से के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे। तो यहां से यहां पर, यहां तक जा रहा है, जहां पर या जहां तक जा रहा है उसके लिए टू, और जहां से इसके लिए फ्रॉम। तो हमारा 18 और 19 भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे हमारा लास्ट प्रीपोजिशन नंबर 20। ये एक बालक है, इसके दाएं की ओर एक और बालक है और इसके बाएं तरफ एक और बालक है। तो ये जो बालक है ये सी है, ये डी है, ये ए है। तो आप देखिए, सी इज बिसाइड ए, डी इज ऑल्सो बिसाइड ए, ए सिट्स बिटवीन डी एंड सी। तो ये जो सी है इसके लिए, जो बाएं ओर है इसके लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं, एक प्रीपोजिशन है। और ये जो डी है इसके लिए भी, क्योंकि ये दाएं ओर है इसलिए भी, इसके लिए भी हम बिसाइड का ही यूज करेंगे, दाएं ओर, ऑन द राइट साइड ऑफ, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ, एंड ए सीट्स बिटवीन डी एंड सी, ऐसे कहेंगे। ए बिसाइड हमारा नंबर 20 हो गया। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 20 कॉमन प्रीपोजिशन, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये बेसिक प्रीपोजिशन है प्लेस के लिए। इसके बाद हम लोग और गहराई में जाएंगे और डिफरेंस देखेंगे कि ऑन, अबव, ओवर, बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, ये सब प्रीपोजिशन में डिफरेंस क्या होता है, छोटे छोटे डिफरेंस होता है। तो बहुत ही सूक्ष्मता से हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम टाइम प्रीपोजिशन भी करेंगे। क्लियर हो जाएगा अब सबका जो कन्फ्यूजन है प्रीपोजिशन के लिए, सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। आप सिर्फ देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो, और मेरा टूटा फूटा हिंदी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। इसी तरह हम लोग सीखेंगे आगे भी। आज यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबके साथ मेरा साक्षात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।